सुप्रभात बच्चों, देखिए आज क्लास 12th का मैं चैप्टर 2 लेके आया हूँ, अ फेरो ट्रेवलर। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये आपका दूसरा चैप्टर है प्रोज का। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं एजी गार्डनर। ठीक है, एजी गार्डनर इसके राइटर हैं, और इसके इस चैप्टर में जो है ये अपनी एक ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपनी एक कथा को ही क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, जो कथा इनके जीवन में घटित हुई है जब ये ट्रेन से सफर कर रहे थे, उसी की एक कथा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि बुक रीडिंग लगाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा ज्यादा मिनट्स का बन जा रहा है, और उसमें आप ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा उस हिसाब से पढ़ाना। इसलिए मैंने जो है सीधे सीधे क्या आपको एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया है हिंदी में। ठीक है, तो आप उस चैप्टर को रीड करिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होगी समझने में या जानने में तो आप पूछिएगा। ठीक है, लेकिन पढ़िएगा जरूर। मैं इसके बारे में आप इस चैप्टर के बारे में आपको नोट्स भी दूंगा, और उस हिसाब से आप जो है आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे और अपने भाषा में इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर जो है अ फेलो ट्रेवलर। फेलो का मतलब होता है साथी। ठीक है, और ट्रेवलर का मतलब यात्रा करने वाला। ठीक है, उसके बाद इसका जिसके जो ऑथर है उनका नाम है एजी गार्डेनर, और ये जा कहां से रहे हैं, लंदन से लेके लॉन्ड टाउन तक। ठीक है, लंदन से लेके मिड लॉन्ड टाउन तक, यहां देखिए लंदन से लेके मिड लॉन्ड टाउन तक। ठीक है, ये इनकी यात्रा की शुरुआत है। ठीक है, ये किससे यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, कहां से कहां जाना है, लंदन से लेके मिड लॉन्ड टाउन तक। ठीक है, अब इनकी यात्रा शुरू होती है। ठीक है, जब ये यात्रा शुरू करते हैं तो ये मेन स्ट्रीट ऑफ लंदन, ठीक है, जो मेन स्ट्रीट होता है लंदन से, मतलब लंदन के मुख्य शहर से ये शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। तब जो है बहुत भीड़ रहती है। ठीक है, और भीड़ के नाते जो है उस ट्रेन में, उस ट्रेन की बोगियों में बहुत भीड़ रहती है, और धीरे धीरे जो है ट्रेन का सफर शुरू होता है। जब आप भी कभी ट्रेवल किए होंगे, कहीं गए होंगे, तो यात्रा किए होंगे किसी भी ट्रेन से, तो क्या हुआ होगा कि आपको जो है यात्रा के दौरान जो है इस तरह भीड़ भाड़ वाले जगहें मिले होंगी ट्रेन में खासकर। ठीक है, इस तरह पोएट को भी मिली, और पोएट कह रहा मैं, ऑथर को भी मिली, और ऑथर जो है इस ट्रेन में सफर करना शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे धीरे धीरे ये ट्रेन जो है नगर से दूर होती गई, उपनगरों की ओर बढ़ी। उपनगर मतलब छोटे स्टेशन, मतलब बाहर की तरफ, लंदन मेन सिटी के बाहर की ओर जब ये बढ़ी, तो इसके अंदर अंदर जो भीड़ थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। जैसे जैसे आप अपने शहरों के से दूर जाते हैं, गांव की तरफ जाते हैं, उससे भीड़ कम होती है, उससे वहां पे भी जो है भीड़ कम होने लगी। जैसे ही ये ट्रेन बाहर की तरफ, लंदन से बाहर गई ट्रेन, वैसे ही क्या हुआ, पूरी तरह से जो है वहां पे उस ट्रेन की बोगियां पूरी तरह से खाली हो गई, और जो एजी गार्डनर थे, जो ट्रेवल कर रहे थे उस ट्रेन में, वो क्या हो गए, पूरी तरह से अकेले हो गए। उनका जो आखिरी पैसेंजर था, जब वो वहां से उस बोगी से उठ के चला गया, तो उनको ये भी नहीं पता था कि वो किस ट्रेन की बोगी, किस बोगी में सफर कर रहे हैं और कैसे सफर कर रहे हैं। ये जो ट्रेन थी वो बहुत धीमे धीमे चल रही थी और बहुत आराम से चल रही थी। तो जब उनको इतनी स्वतंत्रता मिली पूरे ट्रेन में कि इतना स्वतंत्र होकर वो अपना काम कर सकें, तो वो पूरी तरह से खुल गए। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा था अब मैं करूं क्या। ठीक है, उनके मन में बहुत सारे विचार आए कि मैं एक स्वतंत्र प्राणी की तरह हूं जो इस ट्रेन में कुछ भी कर सकता है, मतलब कंचे खेल सकता है, कंचों को कभी भी बंद कर सकता है, गोल्फ प्रैक्टिस कर सकता है। गोल्फ एक तरह का गेम होता है जो मतलब लोग खेलते हैं। ठीक है, वो वहां पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक उस बोगी में ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं, वो सारे नियमों को तोड़ सकते हैं जो भी ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा वहां बनाई गई थी। ब्रिटिश प्रशासन मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लंदन की घटना है। ठीक है, और वहां पे हो रही है, ये इनकी विचारधारा थी कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ ये सोच रहे थे, ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं। ठीक है, ये बस उनकी सोच थी कि मैं ये कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे अकेला हूँ। उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे थे उसको नीचे रखा, उन्होंने खड़े हुए और जोर से जो है ऐसे अंगड़ाई ली। ठीक है, जब उन्होंने जोर से अंगड़ाई ली तो उसके बाद फिर वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया, और थोड़ा सा वो एक एक जो है कॉर्नर से घूमकर दूसरे कॉर्नर तक वो गए। ठीक है, उस ट्रेन में एक कॉर्नर से घूमकर वो दूसरे कॉर्नर तक गए। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था, कोई भी इंसान आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ सूरज की हल्की रोशनी थी, फिर दोपहर का समय था, सूरज की
एकदम हल्की रोशनी जो है उनके सामने आ रही थी। ठीक, उसके बाद फिर वो आए और अपने जो है उसी जगह पे आकर फिर वो बैठ गए जहां पे उनकी सीट थी। ठीक है, वहां पे बैठने के बाद उन्होंने जो है फिर से जो है उस बोगी में घूमना शुरू किया, खिड़कियां खोली, खिड़कियों से बाहर देखा और जो है बाहर जाकर एक सिगरेट जलाई। ठीक है, सिगरेट जलाने के बाद जो है वो फिर से बाहर से अंदर आए और उन खिड़कियों के पास बैठकर जो है ये सोच रहे थे कि यहाँ कोई नहीं है, अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, अब मैं दोनों खिड़कियाँ खोल सकता हूँ, मैं दोनों मतलब जो गद्दे बने हुए हैं ट्रेन के जो मतलब सामने वाली जो बेंचेस होती हैं उस पर मैं लेट सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, वो उस पर लेट और सो भी गए। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इस तरह जो है उनका जो है यात्रा थी वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरह से बीत रही थी और वो अपने आप को पूरी तरह से जो है स्वतंत्र महसूस कर रहे थे। तभी जब वो फिर से पेपर खोलकर पढ़ने लगे तो एक छोटा सा जो है उनका यात्री, मतलब जो साथी यात्री था, यहाँ साथी यात्री कौन था वो मैं भी आपको बताऊंगा, साथी यात्री आकर जो है उनके हाथ पर बैठा। ठीक है, ये साथी यात्री कोई इंसान नहीं, कौन था, एक मच्छर था, मॉस्किटो। ठीक है, वो आया उनके हाथ पर बैठा और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको झटकार दिया क्योंकि वो जानते थे कि इसको जो है मतलब इग्नोर कर दिया जाए, कि वो बहुत ध्यान से उस पेपर को पढ़ रहे थे। एक बार झटकारने के बाद जब वो वहां से उड़ गया उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर से वो आकर उनकी गर्दन पे बैठा। जब गर्दन पे बैठा उसके बाद फिर से उन्होंने जो है उसको झटकार दिया। वो बार बार इस चीज से परेशान जरूर हो रहे थे लेकिन फिर भी वो जो है उसके ऊपर दया करते हुए उसको हटा दे रहे थे। अब आखिरी में जब फिर से वो तीसरी बार वो मच्छर उड़कर उनके हाथ पर आकर बैठा, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने मन में कल्पना की कि अब जो है इसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो खुद को जज मान लिया उन्होंने और ये बोला कि अब इसके ऊपर मैं दया नहीं दिखाऊंगा, अब इसको क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये कहते हुए, ये अपने मन में विचार करते हुए उन्होंने जोर से अपना मुक्का जो है उस हाथ पर मारा। ठीक है, लेकिन मच्छर तब तक वहां से उड़ चुका था। ठीक है, ये जो मन में उनकी जो कल्पना थी कि वो जज हैं और उन्होंने उसको मृत्यु दंड दे चुके हैं, इससे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, और गुस्सा हो गए। ठीक है, इरिटेटेड हो गए, ताकि उनके मन में जो है थोड़ा सा मतलब गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, वो जो है तुरंत अपना न्यूज़पेपर उठाए और एक मतलब लैंप था उनके पास, उसकी मदद से उन्होंने उस पे जो है बोगियों में जो है उस मच्छर का पीछा करना शुरू किया। ठीक है, दो तीन बार उन्होंने उस मच्छर को मारने की कोशिश की, हाथ से मारने की कोशिश की, बार बार वो उड़ता था लेकिन वो उसको मार नहीं पा रहे थे। ठीक है, आखिर में वो थक गए। ठीक है, और जब उन्होंने मार नहीं पाया तो फिर वो आके अपने सीट पर बैठ गए और वो ये सोचने लगे कि जो ये मच्छर है ये कोई साधारण मतलब इनका जो है साथी या यात्री नहीं है, ये एक बहुत बुद्धिमान है क्योंकि ये जिस तरह से एक सांड से एक मनुष्य लड़ता है और उसी तरह जो है अपने मनोरंजन के लिए, उसी तरह ये मच्छर जो है मुझे भी एक क्या कर समझ रहा है, मनोरंजन की चीज समझ रहा है और मुझसे खेल रहा है। ठीक है, ये सारी बातें वो सोचते हुए ये निर्णय लेते हैं कि अब मैं जो है इस मच्छर को क्षमा कर दूंगा। ठीक है, इसको छोड़ दूंगा क्योंकि दया और क्षमा ही जो है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, ये सोचते हुए एजी गार्डनर ने जो है मतलब जो पोएट थे जो ट्रेवल कर रहे थे उस ट्रेन में, उसको क्या कहा कि जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे साथी हो और तुम कुछ जो है मनोरंजन तुमने मुझसे किया और कुछ मनोरंजन मैंने तुमसे किया, क्योंकि हम दोनों लोग क्या हो रहे थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से क्या किया, मनोरंजन किया, और इस तरह से जो है मैं तुमको क्षमा करता हूँ, मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। इतना सब कुछ कहते हुए फिर से वो न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगे। तभी वो मच्छर जो है आया और उस पे उस न्यूज़पेपर पे फिर से बैठ गया, बीचों बीच उसके बैठ गया। फिर एजी गार्डनर उसे कहते हैं, हे मूर्ख मेरे साथी, तुम मुझे जो है तुम अपने आप को मेरे हवाले कर चुके हो, अब मैं चाहूँ तो मैं इस न्यूज़पेपर के दोनों लेखों का बंद करूंगा और एक ताली की आवाज़ होगी और तुम मर जाओगे। ठीक है, उन दोनों उस न्यूज़पेपर के दोनों ओर जो है दो तरह के आर्टिकल लिखे हुए थे। उन दो तरह के आर्टिकल्स का नाम था पीस ट्रैप और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर क्यूज। ये दोनों लेख थे, एक तरफ ये पीस ट्रैप लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर का दो पन्ना खोलिए
तो एक तरफ गोरखपुर की न्यूज लिखी रहती है, एक तरफ विश्व न्यूज लिखी रहती है। उसी तरह एक तरफ वहां पे पीस ट्रैप लिखा होता है कि वो इंग्लिश अखबार था, और एक तरफ द मॉडेस्ट्री ऑफ मिस्टर हुस लिखा हुआ था। ठीक है, ये कहते हुए उन्होंने जो है उस मच्छर से कहा कि अगर मैं इस दोनों पन्ने को बंद कर दूं तो एक ताली की आवाज होगी और इस ताली की आवाज से तुम जो है मर जाओगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमको क्या कर चुका हूं, क्षमा कर चुका हूं, तुम्हारा मृत्यु दंड जो है मैं उसको वापस ले चुका हूं, अब मैं तुमको क्षमा करता हूं, मैं तुमको छोड़ रहा हूं और तुम जो है जाओ अपना काम करो, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत आनंदित हुए हैं और मैं तुमको अब मारूंगा नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर वो मच्छर फिर से वहां से उड़ जाता है अपनी पंखों को फड़फड़ाते हुए, और तभी जो है बाहर से आवाज आती है, एक कुली की जो है आवाज आती है बाहर से। ठीक है, वो कुली आवाज देता है कि आप बाहर आइए। ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स योर स्टेशन, वो बाहर आते हैं। ठीक है, मिस्टर एजी गार्डनर, और देखते हैं कि ये वही स्टेशन रहता है जहां पे उनको उतरना रहता है, और वो वहां पे उतर जाते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का। ठीक है, आप इसके वर्ड मीनिंग्स को देखिएगा। ठीक है, चैप्टर को पढ़िएगा वर्ड मीनिंग को देखते हुए, वर्ड मीनिंग पहले याद करिएगा उसके बाद चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं पता रहेंगे तब तक आप चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप वर्ड मीनिंग देखते हुए उसके बाद चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है, इसकी जो है अच्छे से अध्ययन करिएगा, उसके बाद मैं आपको इसका जो है नोट्स जो है इसके साथ साथ दूंगा। ठीक है, थैंक यू।